फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना ये है कि मोबाइल फ़ोन की जो होम स्क्रीन होती है ना, इसमें आपको खाली जगह पर उंगली से दबा के रखना है ऐसे, तो आपका ये पेज ना इस तरीके से हो जाएगा। इसमें देखिए, आपको सबसे नीचे ये सेटिंग का आइकन आपको ये वाला दिखाई देने लगता है। इस सेटिंग के आइकन को टैप करना है, ये पेज आएगा। इसमें देखिए जो ऑप्शन है ना, होम स्क्रीन लेआउट के सामने दो ऑप्शन है, एक तो 4:6, एक ये 5:6। तो मेरा ये पहले से 4:6 पे सिलेक्टेड है, तो आपको ये 5:6 पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपका 5:6 पे पहले से सिलेक्टेड है तो आप 4:6 पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 5:6 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको ये सबसे ऊपर जो राइट टिक का ऑप्शन है, राइट टिक पे टैप करना है, तो आपका इस तरीके से होम स्क्रीन की लेआउट जो है वो चेंज हो जाती है। अब इसमें चेंज होने पर फर्क क्या दिखाई देने लगता है होम स्क्रीन पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 5:6 का मतलब ये होता है, 5 का मतलब ये होता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर जो ऐप्स है ना, इनकी 5 लाइनें हो जाती हैं खड़ी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, एक लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो 5 का मतलब ये हो गया, 6 का मतलब क्या होता है, ऐप्स की इस तरीके से 6 लाइनें आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 6 लाइनें आ पाएंगी। 5:6 का मतलब ये हो गया, 4:6 का मतलब ये होता है आपकी ना खड़ी 4 लाइनें आ पाएंगी ऐप्स की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप समझ गए, तो इस तरीके से आप अपने होम स्क्रीन के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है।